Hello student, as we know we are going to discuss the chemical properties of acid. In previous classes we knew that what happens when acid react with metals. As we know it releases hydrogen gas along with respective salt. But here it is we have to discuss what happens when acid react with metals carbonate as well as metals bicarbonate. So my name is Sachin Mishra और आप देख रहे हो acid based salt का lecture class 10 के लिए. तो चलो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेटल्स के कार्बोनेट और मेटल्स के बाइकार्बोनेट है ना, बोलते किसे हैं, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है. तो देखो मेटल्स के जो कार्बोनेट होते हैं उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला देख लो. जैसे हमने लिखा सोडियम के कार्बोनेट है ना Na2CO3, हमने लिखा मैग्नीशियम के कार्बोनेट तो MgCO3, ठीक है, सोडियम मैग्नीशियम. उसी तरह से कई सारे कैल्शियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा CaCO3 है ना. पता है ये किसका मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है, रॉक्स वगैरह का है ना, मार्बल्स वगैरह का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है कैल्शियम के कार्बोनेट होते हैं, ठीक है. तो ये आप फॉर्मूला बना सकते हो. बनाने के लिए आपको एक चीज पता होगा, ये जो कार्बोनेट आयन है ना CO3, इसके चार्ज कितने होते हैं, 2 होता है. क्यों? क्योंकि देखो कार्बोनिक एसिड आपने नाम सुना होगा, तो देखो H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, तो ये प्लस 2 में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2 में होगा, तो CO3 का माइनस 2 हो गया. अगर सोडियम के साथ बनाएंगे तो सोडियम का कितना होता है, 1 होगा. सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब कंबाइन कर दो देखो Na2CO3 बन गया. उसी तरह से मैग्नीशियम की बात करें ना, तो मैग्नीशियम का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होता है, NCO3 का तो क्या होगा, 2 होगा. दोनों आपके कैंसिल हो गए, 1:1 में है, दोनों को कंबाइन कर दो क्या होगा, MgCO3 हो जाएगा. एंड हमारे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ भी वही होगा, यहाँ पे कैल्शियम लगा दो, उसके भी 2 वैलेंसी होता है, इसका भी 2, तो ये कैंसिल होकर कैल्शियम के कार्बोनेट बनेगा, ठीक है. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स के कार्बोनेट बोलते हैं. अब हम लोग एसिड का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे. अच्छा एक होता है मेटल्स के बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट में क्या होगा, एक सिंपल एक हाइड्रोजन इसमें अटैच होता है. आओ मैं यहां पे देखो समझा देता हूं इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को. मेटल्स के बाइकार्बोनेट की बात करें, देखो अगर मैं सोडियम के कार्बोनेट है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलूं तो NaHCO3 लिख दो है ना, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम का बाइकार्बोनेट, या फिर बोलो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. बात आई समझ में, इसे क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम का बाइकार्बोनेट है. उसी तरह मैग्नीशियम का बनाना है ना, तो MgHCO3 का होल ट्वाइस ये हो जाएगा. कैल्शियम का बनाना है ना, तो आप क्या करोगे, कैल्शियम CaHCO3 को एक साथ लिख दोगे होल ट्वाइस है ना, तो ये आपके क्या होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट है ना. ये चीज CBSE का क्वेश्चन होता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विद दीज कंपाउंड है ना, क्या होगा जब एसिड का रिएक्शन इसके साथ कराएंगे. बात आई समझ में, कहां से कैसे फॉर्मूला बना, और कार्बोनेट क्या होते हैं, मेटल्स के बाइकार्बोनेट क्या होते हैं, ठीक है. अब हमें क्या पढ़ने हैं, इसका रिएक्शन विथ एसिड, इसका रिएक्शन किसके साथ पढ़ेंगे, एसिड के साथ. चलो स्टार्ट करें. So, look, what happens when, यहां पे हेडिंग दे दो कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड मेटल्स बायकार्बोनेट. पहले तो ये समझना है कि इसमें प्रोडक्ट आपके क्या बनते हैं. देखो जो प्रोडक्ट बनेगा ना, CO2 बनता है, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. जब आप एसिड का रिएक्शन इन कंपाउंड के साथ कराओगे तो CO2 और रिस्पेक्टिव सॉल्ट है ना, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर रिलीज होता है. हमने क्या बोला, यहां पर हेडिंग देता हूं, लिख देता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं, व्हेन
एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट इट फॉर्म CO2 क्या बनाएगा CO2 रिलीज होगा रिस्पेक्टिव सॉल्ट केमिकल रिएक्शन से आपको ज्यादा समझ में आएगा तो पहले लाइन लिख लो जो मैं लिखा रहा हूं CO2 रिलीज होगा रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा अलोंग विथ वाटर नाउ वी हैव टू डिस्कस द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस है ना अब ये तो मैंने लिखा दिया अब हमें क्या पढ़ने हैं इसके केमिकल रिएक्शन को समझने हैं तो आओ यहां पे समझते हैं देखो अगर मैं किसी एसिड हमने ले लिया मान के चलो एसिड हमने ले लिया एक एसिड ले लेते हैं HCl और इसका रिएक्शन करा दो आप सोडियम कार्बोनेट के साथ ठीक है इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3 याद होगा है ना मैंने ऑलरेडी लिखा दिया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रिएक्शन जब कराओगे क्या होगा मैंने क्या बताया CO2 एंड रिस्पेक्टिव सॉल्ट तो इससे Na और यहाँ पे Cl है तो जो सॉल्ट बनेगा क्या होगा NaCl बनेगा और CO2 तो आपके रिलीज होंगे ही होंगे यहाँ पे लिखोगे NaCl प्लस CO2 ठीक है एंड वाटर है ना यहाँ पे आपके वाटर भी हो जाएंगे एंड ऑफकोर्स दिस वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है ना ये बैलेंस अभी नहीं है अगर आपको बैलेंस करना है तो देखो यहाँ पे 2 लगा हुआ है यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ हीट एंड ट्रायल से आप लगा सकते हो यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं और यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो क्या ये हो गया बोलो 2 सोडियम था 2 हाइड्रोजन हो गया आपके 2 क्लोरीन हो गया ठीक है एक CO2 ऑक्सीजन आपका 2 N3 है तो चलो ठीक है बैलेंस हो गया है ना इस साइड भी आपके 3 ऑक्सीजन है उस साइड भी आपके 3 ऑक्सीजन है तो ये आपका बैलेंस हो गया ठीक है तो देखो यहां पे क्या बना आपके रिस्पेक्टिव सॉल्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर ठीक है चाहे कोई भी रिएक्शन कराओ ये आपके होंगे बात आई समझ में अगर मैं बात करूं H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं चलो रिएक्शन कराता हूं मैग्नीशियम के कार्बोनेट के साथ क्या कराया मैग्नीशियम के कार्बोनेट के साथ तो क्या होगा क्या बनेगा मैग्नीशियम के सल्फेट बनेंगे हमने क्या बोला मैग्नीशियम का क्या बनेगा सल्फेट ठीक है प्लस CO2 एंड देन वाटर क्योंकि ये हर केस में होगा है ना ये आपके हर केस में आपके ये रिएक्शन देखने को मिलेगा आपको ठीक है हर किसी भी मेटल्स के कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट वाटर प्लस में CO2 आपके रिलीज होंगे ये बन गया आपका मैग्नीशियम का सल्फेट एंड देन CO2 एंड वाटर रिलीज हो गया अब देख लो ये क्या बैलेंस है क्या MgSO4 ठीक है H2O बैलेंस है CO2 बिल्कुल ये बैलेंस है आपका है ना आप देख सकते हो ये बैलेंस है तो ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये कई बार पूछा गया एग्जामिनेशन में राइट तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए आओ और भी कुछ रिएक्शन हम लोग देखेंगे जैसे कि मेटल्स के बायकार्बोनेट के साथ करवा के भी देखेंगे चलो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ अभी के लिए आगे बढ़ें ऑफ कोर्स मेक ए नोट ऑफ इट है ना आप इसके बनाते जाइए इसके नोट्स को बनाइए चलो अगर हमने ले लिया मेटल्स के बायकार्बोनेट के साथ एक बार रिएक्शन देखते हैं किसके साथ बोला मैंने मेटल्स बायकार्बोनेट मेटल्स के बायकार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं देखो हर केस में चाहे आप कार्बोनेट के साथ करवाओ एसिड का रिएक्शन या फिर मेटल्स के बायकार्बोनेट के साथ साथ करवाएंगे तो जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे ना वो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा सेम ही बनेगा तो मान के चलिए एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि हमने ले लिया HCl और इसका रिएक्शन करा दो NaHCO3 के साथ है ना ये क्या है सोडियम बायकार्बोनेट तो क्या बनेगा सिंपली NaCl एक सॉल्ट बनेगा रिस्पेक्टिव सॉल्ट तो Na और Cl यहां से NaCl बनेगा एंड देन H2O और क्या होगा CO2 रिलीज होगा बात आई समझ में क्लियर है और कुछ बात करें चलो H2SO4 का रिएक्शन करा देते हैं
किसके साथ करवा दें, किसके साथ करवाना करवाना हमें मेटल्स के बायकार्बोनेट के साथ। तो मैग्नीशियम का MgHCO3 का होल ट्वाइस है, तो जब इसके साथ कराएंगे तो देखो मैग्नीशियम का सल्फेट बनेगा। आपको जो पता है, अब इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको पता ना कि मेटल्स के सल्फेट है ना, वो रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा। और ऑलरेडी मैंने बताया कि सल्फेट, नाइट्रेट या क्लोराइड जो होता है ना मेटल्स के, वो सारे आपके सॉल्ट होते हैं ना। तो मैग्नीशियम का सल्फेट बन गया, उसके बाद क्या बनेगा, H2O और CO2 रिलीज होगा। नाउ दिस वन इज नॉट, आई थिंक दिस वन इज अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो आप इसे बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे ख्याल से दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन, यानी 4 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। नाउ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए आपके, 4+2 6 एंड देन 2 8 हो गया। और अगर LHS की बात करें तो 4 और 3 2 जा यहाँ पे 6 हैं और प्लस 4 कितना हो गया 10 हो जा रहा है। तो अगर मैं कार्बन में 2 लगा दूँ, 2 CO2 कर दूँ, देखो कार्बन भी आपका बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी अब आपके क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो जाएगा, है ना। 3 2 6 and 4 10 हो गया LHS साइड ऑक्सीजन, और राइट साइड देखो ऑक्सीजन के एटम कितने हैं आपके, 4+2 6+4 10 हो गया। हाइड्रोजन आपका 4 होनी चाहिए, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, LHS में 4 है, वहाँ भी देखो 2 into 2 4 हाइड्रोजन है। मैग्नीशियम बस एक सिंगल है, तो यहाँ पे भी एक सिंगल होगा। सल्फेट आयन SO4, चलो एक है तो एक है, चलो वैसे तो आपका ये कंप्लीट हो गया है ना, सल्फर आपके यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी S एक ही है। तो अब ये क्या है बोलो, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन आप समझ सकते हो, इससे ज़्यादा आपको कभी पूछा नहीं जाता, ये आपको दिमाग में रखना है। क्या चीज़, व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट, तो क्या होगा, रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा अलॉन्ग विथ वाटर, ठीक है। तो चलो यहीं पे इसे एंड करते हैं, इसके बाद हमें क्या पढ़ने हैं, बट बिफोर दैट यस, देखो एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बोला, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, सो हाउ विल यू जज कि वो कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो रहा है, हाउ विल यू जज कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके रिलीज होते हैं इस रिएक्शन से। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करा गया, वो क्या है समझिए, यहां पे लिख देता हूं मैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि हाउ विल यू, एक क्वेश्चन लिख देता हूं कि हाउ विल यू जज या फाइंड आउट ड्यूरिंग दीज रिएक्शन क्या बनेगा, CO2 रिलीज। तो आप कैसे समझते हो कि CO2 रिलीज हो रहा है, तो इसके लिए एक देखो क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करा गया था, जैसे कि मान के चलो, जैसे कि आपको पता है कि मिल्क ऑफ लाइम है ना, मिल्क ऑफ लाइम जिसे हम लोग स्लैग लाइम भी बोलते हैं, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, ठीक है ना। तो ये कैसे पता करा गया कि CO2 रिलीज हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए क्या किया, व्हेन है ना, इस पॉइंट को आप लोग लिखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हेन CO2 गैस पास थ्रू द मिल्क ऑफ लाइम ठीक है ना, मिल्क ऑफ लाइम से अगर पास किया जाए, इट विल टर्न इनटू मिल्की। हमने क्या बोला, It will turn into milky. देखो इस समय इसका कोई कलर नहीं होता मिल्क ऑफ लाइम का, जब CO2 के थ्रू इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगेन ये रिएक्शन मैं बता देता हूं, हर जगह इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि देखो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, मिल्क ऑफ लाइम, दिस अगेन वी कैन कॉल इट स्लैग लाइम। तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, इसका रिएक्शन कराएंगे CO2 के साथ, तो क्या बनता है, कैल्शियम के कार्बोनेट बनते हैं ना, वाइट PPT CaCO3।
है ना। तो ये आपको बता देता है कि देखिए ये व्हाइट कलर का इसे मिल्की में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और अलॉन्ग विथ आपकी ये वाटर रिलीज होंगे इसका कोई, है ना। इसके बाद क्या होगा, इसके साथ हमें वाटर देखने को मिलता है। तो ये रिएक्शन आपके होते हैं। तो क्या बोला मैंने, व्हेन CO2 पास थ्रू दिस मिल्क ऑफ लाइम इट विल टर्न टू द मिल्की, उसको मिल्की में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपको आने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसे आप रिविजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के एग्जामिनेशन के पर्पज से। क्लास 10 के लिए ये क्या है, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो यू नीड टू लर्न दैट, यू नीड टू नो दिस, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।